हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला, आपका बायोलॉजी का प्राध्यापक मतलब टीचर। और यहां स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन शॉट। देखो बच्चे, प्रश्न ये आएंगे वो आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कहने के लिए हजारों हैं, पर ये पढ़ाया भी जा रहा है एग्जाम से चंद दिनों पहले। आपको वन शॉट देने जो दे रहे हैं हम आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पढ़ेंगे तब ना प्रश्न बनेंगे यार। तो बहुत सारे बच्चों की ऐसी परेशानी थी, इसलिए वन शॉट पे वन शॉट, वन शॉट पे वन शॉट देने हम आ गए हैं आपके सामने। नाम है हमारा योगेश शुक्ला और चैनल का नाम है योगेश शुक्ला बायोलॉजी। वीडियो पसंद आए अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को और मित्रों के साथ तनिक साझा भी कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्यों आपका मित्र भी इंतजार कर रहा होगा इस नए सेशन के लिए, नई क्लासेस के लिए, वन शॉट के लिए, तो उनके तक भी ये बात पहुंचाइएगा। ट्वेल्थ का आखिरी चैप्टर है जनाब। हमने आपसे वादा किया था चंद महीनों पहले कि आपको सिलेबस कवर करवाएंगे। हमने ना सिर्फ सिलेबस कवर कराया, पूरा सिलेबस पढ़ाया, रिवीजन भी कई बारी दिया, अर्धवार्षिक में पढ़ाया, हर एग्जाम से पहले सेंटअप में पढ़ाया, हर एग्जाम से हर समय पर आपके साथ पग पग साथ पे रहे, और इस तरह इस आखिरी चैप्टर को भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमने वादा किया था कि वो सारे बच्चे जो पैसे देकर हमारे पेट बेच को नहीं खरीद पाते हैं, जिनके पास उतनी संभावनाएं नहीं है पैसे को खर्च करने की, उन सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देंगे, और हम देते जा रहे हैं। आपके इसी प्यार से खड़ा हुआ यह चैनल आपके लिए है, आपके द्वारा है और आपकी सेवा में भी है, तो इसलिए इस चैनल को भरपूर प्यार देते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर साझा कर दीजिएगा। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बड़ा चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। बड़ी बड़ी कहानियां, बड़े बड़े टॉपिक से जुड़ा हुआ यह चैप्टर है, तो बेशक बहुत आसान, पर फिर भी बच्चों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पूरा पढ़ा देंगे तो प्रश्नों को कराने का एक अलग ही महत्व निकल कर आएगा और एक अलग ही चार्म निकल कर आएगा हर बच्चे तक जब ये चैप्टर पता हुआ रहेगा। चलिए जनाब, ये चैनल है आपका योगेश शुक्ला बायोलॉजी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, कहीं कुछ छूट ना जाए मेरे बच्चे, समझ रहे हैं? तो ये जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा ये है आपका टेलीग्राम हैंडल योगेश सर बायोलॉजी, आज की पीडीएफ आपको यहां पर मिलेगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, योगेश शुक्ला बायोलॉजी इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा। स्टार्ट करें इससे पहले कॉमेंट सेक्शन पे होना चाहिए जोरदार रोर की यस सर वी आर रेडी फॉर द सेशन, इस सेशन के लिए हम हैं तैयार। तो कमेंट पे देखा जाए कौन कौन है हमारे साथ तैयार। अनूप है तैयार, सृष्टि, सुकेश, शिवानी, रवि, शाम्या और एक मम्मी है, और कौन है हमारे साथ, फातिमा, कामलेश, माँ का लाडला, ओके, सिद्धार्थ, विनय, श्रुति, सुष्टि, मोना शुक्ला, खुशी, विजेंद्र, अंशिका, जीशान, साफरी, सैफी, आंचल, मोहम्मद, काजल, मोहित, नाजिश, शिबु एंड ऑल, बहुत सारे बच्चे, सभी को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। साल का आखिरी दूसरा दिन है, सेकंड लास्ट डे है इस साल का 2023 का, और 2024 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। 2024 में जब हम प्रवेश करेंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे दिमाग में होगा कि 2024 की परीक्षा पे हमें मेहनत करनी है, हमें सबसे बेहतरीन नंबर लेकर आना है। इसी प्रण के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कॉमेंट सेक्शन पे वो थोड़ा प्यारा सा दिल भेजिएगा, मुझे बड़ा पसंद है, प्लीज एक बार फटाफट प्यारा सा दिल, वो लाल वाला जो भेजोगे ना, एकदम ऐसा गर्दा सा मच जाना चाहिए, ठीक है। सिलेबस कवर होंगे बिल्कुल, जनवरी में क्लासेस होंगे, बिल्कुल होंगे सारी चीजें। चलिए चलिए चलिए, क्या बात है, ओहो हो 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 हो, क्या बात है, प्यारा सा दिल, मेरा दिल आपके पास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात, जैव विविधता क्या चीज है, जैव विविधता, और हम इसको कैसे पढ़ेंगे बिना बातचीत के, बिना टाइम पास के, स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है, आप बस ध्यान से देखते जाइएगा मेरी आज की कहानी को। देखो भाई, जब भी आप अपने आसपास देखोगे, जब आप आसपास देखोगे तो कुछ, कहीं कुत्ता, कहीं बिल्ली, कहीं शेर, कहीं भालू, शेर भालू तो आपके आसपास नहीं होंगे, पर एट द एंड जंगल, पेड़ पौधे,
किट कीट पानी सब कुछ दुनिया भर का है। अब अगर आप के एरिया में जैसे आप रेगिस्तान पे जाइए तो रेगिस्तान पे बस कहीं जगह वो दिखाई दिया कैमल आपको और कई जगह नागफनी और ज्यादा विविधता नहीं दिखाई देगी। पर अगर आप यहीं जंगल में चले जाए तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़, विभिन्न प्रकार के जानवर, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के पौधे सब आपको दिखाई देंगे। तो ये जो जीवों की वैरायटी है ना जनाब, ये जो जीवों की वैरायटी है ना, इसी को कहते हैं जैव विविधता। सामान्य भाषा में मैं ये बताऊं, जीवों की प्रकृति, जीवों के प्रकार जितने भी उस क्षेत्र में रहते हैं जैव विविधता कहलाती है। ध्यान से जरूर सुनिएगा, हमारे जैव मंडल में जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो जाति, जैविक संगठन सभी स्तर पर, कोशिकाओं से लेकर बायोम तक, कोशिकाओं से लेकर बायोम तक। मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी इकाई है बायोम और सबसे छोटी इकाई है जीव और जातियां, जिसे हम कहते हैं जीव और जातियां। इन सब के बीच में सामाजिक जैव विविधता सबसे पहले एडवर्ड विल्सन के द्वारा दिया गया था। यह शब्द अपने दिमाग में बैठा लेना कि बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था, एडवर्ड विल्सन उनका नाम था। पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए, यह है जैव विविधता। अब इस दुनिया की जो विविधता है वो कितने प्रकार की हो सकती है, जैसे आसपास आप देखोगे तो कुत्ते ही बहुत सारे प्रकार के हैं, कुछ लेब्रा हैं, कुछ जर्मन शेफर्ड हैं, कुछ देसी हैं, कुछ पामेलियन हैं, कुछ अलग अलग हैं, है ना, कुछ गोल्डन रेट्रीवर्स हैं, अलग अलग प्रकार के हस्की हैं, डॉग के भी बहुत वेराइटी है, गाय भैंस की भी बहुत सारी वेराइटी है, मनुष्यों की भी बहुत वेराइटी है कि नहीं। वैसे ही विविधता के बहुत सारे प्रकार हैं, वैसे भी जैव विविधता के बहुत सारे प्रकार हैं। पहला प्रकार है जेनेटिकल बायोडायवर्सिटी, जिसे हम कहते हैं आनुवांशिक विविधता। कॉपी में जरूर लिखिएगा, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में कि विविधताएं कितने प्रकार की होती हैं। पहला है आनुवांशिक विविधता, दूसरा है जातीय विविधता, और तीसरा प्रकार होता है भाई इकोलॉजिकल, मतलब परितंत्र की जैव, मतलब जिसको अपन कहते हैं परितंत्र की विविधता, जिसे अपन कहते हैं परितंत्र विविधता, कि भाई इकोसिस्टम भी लोगों का अलग अलग हो सकता है, लोग भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे तुम यहां रह रहे हो, कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, कुछ लोग नेपाल में रहते हैं, सबका अलग अलग वेराइटीज हैं। तो इस दुनिया में तीन वेराइटीज हैं, पहला आनुवांशिक, दूसरा जाति, और तीसरा परितंत्र की विविधता, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम की विविधता। सबसे पहले बारे में बात करने जा रहे हैं आनुवांशिक विविधता के बारे में। जेनेटिकल बायोडायवर्सिटी क्या है, आपने कितने प्रकार के आम खाए हैं बताइए, मार्केट गए हैं आप कितने प्रकार के आम खाए हैं, चावल तो जनाब पूछिए ही मत, भारत में कितने प्रकार का बासमती, HMT, ये वो वगैरह 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 दुनिया भर के होते हैं, है ना, होते कि नहीं होते। वैसे ही आम, वैसे ही आपका आपने और वैरायटी भी सुनी होगी, गेहूं की तो खैर आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन चावल और आम की जरूर सुनी होगी आपने। कुत्तों की अलग प्रकार की वैरायटी है, मनुष्यों की भी अलग प्रकार की वैरायटी, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वैसे ही एक ही जाति के आनुवांशिक स्तर पर वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। एक ही जाति क्या बदलाव हुआ बताइए, एक आम है, मां नाम है उसका तोतापरी, और एक आम का नाम है मान लेते हैं रसीला जसल, एक का नाम है लंगड़ा आम मान लो, तो इन तीनों में अन्यता भिन्नता क्या है, तीनों हैं तो आम लेकिन आनुवांशिक पदार्थ तीनों के अलग अलग हैं। आनुवांशिक पदार्थ तीनों के अलग अलग हैं इसलिए इन्हें कहते हैं कि जाति विविधता अलग अलग है। अब आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है, आपको पता ये क्या है, ये है भाई रोल्फिया वोमिटोरिया, रोल्फिया वोमिटोरिया जिसे अपन कहते हैं, ये इतनी वैरायटी का पाया जाता है हिमालय में, नाम है रोल्फिया वोमिटोरिया, नाम जरूर याद रखना, हिमालय में पाए जाने वाली एक औषधि जिसका नाम है रोल्फिया वोमिटोरिया, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और इससे एक रेस्पिरिन मिलती है, रेस्पिरिन दर्द निवारक होती है, जनरली रेस्पिरिन लेते हैं, क्षमता और सांद्रता सब में अलग अलग हो सकती है। तो पूछा क्या जाएगा, हिमालय में पाए जाने वाला एक पौधा नाम है रोल्फिया वोमिटोरिया से क्या प्राप्त किया जाता है, हम प्राप्त करते हैं रेस्पिरिन। उसी तरह आप इस डायग्राम को देखकर आपको लालच आ गया होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, पहला वैरायटी है धान का, भारत में आपको पता है 50,000 से ज्यादा प्रकार की धान है, 50,000 से ज्यादा प्रकार की धान है, और वहीं अगर हम आम की बात कर लें तो 1,000 से अधिक प्रजातियां हैं। देखो सूर्या, केसर, अल्फेनो, नीलम, चौसा, मल्लिका,
आमबेर, कंचन, तोतापरी, करंजियो, वनराज, ओहो, मोतीचूर, मां कसम क्या बात है, इतने प्रकार के आम तो हमने खाए ना है जी, इतने प्रकार के आम भाई साहब, ये सब के सब जो हैं प्रेजेंट होते हैं भारत में। भारत अकेले की बात है जी, 1000 प्रकार के आम हैं और 50,000 प्रकार की धान है। सोचिए जनाब, वैरायटी है कि ना जी, राहुल वोल्फिया की वैरायटी है, धान की वैरायटी है, आम की वैरायटी है। इसी वैरायटी को कहते हैं आनुवांशिक विभिन्नता। सभी तो आम ही है ना, अलग क्या है, अलग है आनुवांशिक पदार्थ। दूसरी बात, हम बात करेंगे जातीय विविधता की। आसपास देखेंगे लाखों प्रकार के सांप की जातियां हैं, लाखों प्रकार के मतलब लाखों प्रकार की जातियां हैं जिनमें से सब अलग अलग जीव हैं। जैसे अगर हम देखें, यह भिन्नता जाति स्तर पर है। जातियां जैसे हिमालय जाइए, ये देखो ये सारे ये मेंढक है, इतने प्रकार के एम्फीबियंस की वेराइटी है। सब आपको लगेगा ये तो सबके सब मेंढक है, पर मैं आपको बता दूं ये सबके सबको आप मेंढक आप सोच सकते हो, पर दे आर नॉट ऑल मेंढक। ये सबके सब मेंढक नहीं है, ये एम्फीबियंस के अंदर पाए जाने वाली वैरायटी है, इसे जातीय विविधता कहते हैं। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली भिन्न भिन्न जातियों के समूह को, जातियों के प्रकार को जातीय विविधता कहते हैं। आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा जातीय विविधता कहां है? ये ही भारत का नक्शा है, इसे हिमालयन रेंज कहते हैं। ये बर्मा तक जाता है, यहां से शुरू होता है और यहां से होता हुआ बर्मा तक जाता है, म्यांमार जिसे आजकल कहते हैं। ये इतना बड़ा रेंज है, गजब डायवर्सिटी जी, बहुत प्रकार के जानवर होते हैं। फिर आता है हमारे पास में, ये यहां से शुरू होता है गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, गोवा होते हुए तमिलनाडु आखिरी तक पहुंचता है, इसे वेस्टर्न घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट। इधर भी बाबू बहुत ज्यादा होता है, वो सुना होगा ना आप लोगों ने, खंडाला, लोनावला, ये सब इसी वेस्टर्न घाट का भाग होता है, केरला है ना, ये सारा भाग यहीं पे है। फिर आते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट में, ये यहाँ पे बंगाल के नीचे से विशाखापट्टनम होता हुआ रामेश्वरम तक, कन्याकुमारी तक जो जाता है, इसे ईस्टर्न घाट कहते हैं। इन सभी क्षेत्रों पे विविधता बहुत गजब की पाई जाती है, इसे जातीय विविधता भी कहते हैं। अब सवाल आया तीसरा मामला, जिसे हम कहते हैं भाई साहब परितंत्र की विविधता। तो तीसरा पारिस्थितिक तंत्र भी अलग अलग है। आप बताइए, कश्मीर में भाई साहब ठंड पड़ रहा है तो वहां अलग प्रकार की विविधता होगी, बंगाल में ही बंगाल टाइगर क्यों रहता है, केरला में अलग प्रकार का जंगल है, और क्या बोलते हैं थार का मरुस्थल अलग प्रकार का है ना, सबके सब अलग अलग है ना, क्या अंतर है इसमें? सब में अंतर है पारिस्थितिक तंत्र का। आप देखियो, एक मरुस्थल है, एक रेन फॉरेस्ट है, एक मैंग्रोव्स है, दलदली क्षेत्र हैं, एक जो है ये एस्युरीज हैं जिनको अपन डेल्टा कहते हैं, इसके अलावा ये कोरल है, वेटलैंड है, अल्पाइन मीडो है, सब जगह अलग अलग प्रकार का परितंत्र है, और जितनी प्रकार के परितंत्र उतनी प्रकार की विविधता। ठीक है भाई, मान गए, कुछ डेटा वेटा है तुम्हारे पास, कितनी प्रजातियां हैं आसपास जी, हमारे आसपास कितनी प्रजातियां हैं जी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए जी, जल्दी बताइए, क्या हो गया है यहां पर, क्या हो जाता है इस दुनिया में विविधता के नाम पर। वैसे तो पढ़ाया गया है यार कि 1.7 जो है मिलियन वैरायटी है इस दुनिया पे। तो ये एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रॉबर्ट मे। दुनिया में IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, IUCN फुल फॉर्म जरूर याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इसने 2004 में बताया कि इस दुनिया की जो वैरायटी है वो 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है, लगभग 1.7 के आसपास मान्यता है, अलग अलग चैप्टर में लिखा रहता है, पर 1.5 मिलियन जो है से ज्यादा विविधता इस दुनिया में है। पर तभी आए हमारे एक वैज्ञानिक, नाम था रॉबर्ट में, बोले ए ना चोल बे, ये ना चलेगा, और वैरायटी हैं, तुमको नहीं पता है। तो कितनी है? इन्होंने कहा इस दुनिया में लगभग 7 मिलियन वैरायटी हैं। इन्होंने कहा इस दुनिया में लगभग 7 मिलियन वैरायटी हैं, 7 मिलियन विविध जाति पाई जाती है। अरे कितनी जी? 1.5 से लेकर नहीं, 1.5 तो IUCN ने कहा था,
तो ये भी पूछा जाएगा। और है कितनी, तो है कितनी पूछा जाएगा तो बोलना भैया है 7 मिलियन के आसपास, इतनी है रॉबर्ट मे के अनुसार। IUCN के हिसाब से पूछे तो IUCN के हिसाब से बताना, रॉबर्ट मे के अनुसार पूछे तो रॉबर्ट मे के अनुसार बताना। अब ठीक है बात, देखो बाबू हम बैक्टीरिया का तो पता लगा ही नहीं सकते, फंगस भी बहुत छोटे हैं तो इनको 2 मिनट साइड कर दो। बचा कौन कौन, बचा हमारे पास पौधे और बचे हमारे पास जंतु। तो हमने ये देखा कि यार इस दुनिया में अगर आप देखेंगे कि 70% से अधिक जो है वो जातियों में जंतु है, 70% से अधिक जो होते हैं वो जंतु हैं, और लगभग लगभग 22% भाग जो हैं वो पौधे हैं। क्या बोला मैंने, 70% भाग जो हैं जंतु हैं, 22% भाग में पूरे पौधे हैं, और बाकी बचे हुए 8% में कोई होगा तो होगा। समझना बात को, 70% से अधिक जंतु, 22% के आसपास पौधे, और बाकी 8% में तुम बाकी जिसको मानना है मान लो। अब आ जाओ जंतुओं में, अगर तुम जंतुओं में गिनती करोगे तो सबसे बड़ा जो संघ है वो है आर्थ्रोपोडा। माना ये है कि जंतुओं के भी 70% भाग में कीट पाए जाते हैं, मतलब आर्थ्रोपोडा। तो जंतुओं में भी सबसे ज्यादा 70% भाग जो है वो कीट वर्ग है, कीट। जंतुओं में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, कीट पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका अर्थ यह है कि अगर 10 जंतु हैं तो उसमें से 7 कीट पाए जाते हैं, ठीक बात है। अगर आप अकशेरुक की बात मानेंगे तो देखो 70% भाग जो है भाई साहब इसने कीट ने कवर किया हुआ है, बाकी प्राणी समूह ऐसे हैं, फिर मोलस्का, फिर क्रस्टेशिया और बाकी समूह। मतलब सबसे बड़ा समूह है भाई साहब आर्थ्रोपोडा, कीट समूह, उसके बाद आता है मोलस्का, और उसके बाद बाकी जीव जंतु समूह आते हैं। ये इस दुनिया का डेटा है, ठीक बात है भाई। फिर आ जाए बाकी वेराइटियों में, कवक जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर, एम्फीबियन, सरीसृप, रेप्टाइल, स्तनधारियों, मैमल से अधिक है। मतलब इस दुनिया में सारे जंतुओं को अगर एक तरफ डाल दोगे, मतलब जितने भी कॉर्डेटा है ना, एम्फीबियंस, स्तनधारी, सरीसृप, ये सब जो है इनसे ज्यादा है कवक। पर कवक का हमको पता ही नहीं चलता है कि कवक कहां कैसे क्या रहता है, तो कवक भी ज्यादा मात्रा में है। मतलब सभी कॉर्डेटा को एक तरफ कर दो तो एक तरफ कवक पाए जाते हैं, ये भी ठीक है भाई। अगर आप कशेरुक में देखोगे, कशेरुक मतलब वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट मतलब हमारे जैसे जो लोग हैं इनमें देखा जाए, तो आपको पता है वर्टिब्रेट्स में भी सबसे ज्यादा मछलियां हैं, क्योंकि जीवन की शुरुआत तो मछली से ना हुआ जी, तो मछली में सबसे ज्यादा मत्स्य वैरायटी है। उसके बाद फिर आपके बाकी 4 टेट्रापोडा आपने पढ़ा है, उसमें मछलियां हो गई, फिर आपके पास आपने उभयचर पढ़ा है, सरीसृप पढ़ा है, पक्षी पढ़ा है और स्तनधारी पढ़ा है। 11th में कुछ पढ़ा वढ़ा गया नहीं सब, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे गया है, पता है ना मछली होती है इस दुनिया में, कॉर्डेटा ग्रुप का भाग है। वर्टिब्रेटा में पहला भाग मतलब साइक्लोस्टोमा, फिर आते हैं ये स्टोमा, हमारे पास मछलियां, मछलियां 50% भाग है पूरा कशेरुक का, 50% भाग मछलियां हैं, फिर बाकी का जो बचा हुआ 50 है बांट दो उसमें, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, ये लगभग लगभग बराबर बराबर मात्रा में इस दुनिया में पाए जाते हैं। अगले कहानी पे आते हैं, प्लांट में सबसे ज्यादा कौन है, पादप में। देखो पहले कवक जो है ना वो पादप जगत में ही रखा गया था, कवक को पादप जगत से अलग नहीं किया गया था, तो यहां पर पढ़ाया भी जाता है, यहां पर पढ़ाया भी जाता है कवक के बारे में। तो जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दुनिया में पादप में सबसे ज्यादा जो है वो आवृतबीजी यानी पुष्पीय पादप है। कौन से पादप हैं, पुष्पीय पादप जिसमें फूल खिलता है, आवृतबीजी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और लगभग उतना ही कवक भी इस दुनिया में है। बाकी सारे टेरिडोफाइटा, सहवाल, जिम्नोस्पर्म कम पाए जाते हैं, मॉसेस, फर्न, सहवाल, लाइकेन, ये सब कम पाए जाते हैं। तो पूरी कहानी से क्या समझ में आया कि दुनिया में जंतु ज्यादा हैं, पौधे 22% है, जंतु 70% है, जंतुओं का भी 70% कीट वर्ग है, फिर मोलस्का वर्ग है, बहुत बढ़िया। पूरे सरीसृप, उभयचर, पक्षी और स्तनधारियों को मिला भी दिया जाए तो कवक की वैरायटी इस दुनिया में ज्यादा है, और इस दुनिया में
पादप में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आवृत्त बीजी, फिर पाए जाते हैं कवक, और उसके बाद बाकी पादप इस ग्रुप में आते हैं। ये बातें पूछी जाती हैं बोर्ड में भी और नीट में भी, तो अपना दिमाग खोल के उसमें डाल लीजिए, वहां से थोड़ा सा कचड़ा निकालिए और अच्छी चीज को ऐड कर दीजिए। कमेंट सेक्शन पे ऐसा थम्स अप सा दिखाकर कह दो हां जी भाई साहब गॉट इट, समझ गए हैं बात को कि कहां से क्या क्या पढ़ना है। पादप ज्यादा है, कवक के बराबर है, इसके अलावा पादप का 22% भाग है, जंतुओं का 70% भाग है, कीट ज्यादा पाए जाते हैं 70% भाग में, 7 मिलियन वैरायटी रॉबर्ट मे के अनुसार, और 1.5 मिलियन से कुछ ज्यादा IUCN ने कहा था। अरे बोलो जी, आया बढ़िया, अति उत्तम, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बायोडायवर्सिटी इंडिया के बारे में कि भैया इंडिया में बायोडायवर्सिटी है क्या। अरे इंडिया जैसी डायवर्सिटी कहीं है क्या जी? कहीं नहीं। देखो, एक अकेले देश ऐसा है जहां एक साथ ठंडी गर्मी बरसात सब हो रही होगी। पता है आपको, कश्मीर चले जाइए बर्फ गिर रहा होगा, थोड़ा और नीचे आइए ठंड पड़ रहा होगा, मध्य भारत में अभी ठंड पड़ रही है, थार में चले जाइए थोड़ी बहुत गर्मी लग जाएगी दोपहर में आपको, बरसात ढूंढना हो तो चेरा पूंजी मासिनराम चले जाइए, और नमी ढूंढनी हो तो साउथ इंडिया चले जाइए, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। भारत ही वो है जहां बाबू दार्जिलिंग जैसे ऐसे सुंदर पहाड़ है, और कोंकण का कॉस्ट जो होता है ये केरला वाला जगह ऐसा भी सुंदर दिखता है, देवदार फॉरेस्ट भी है हिमालय के, और चेरापूंजी में बरसता हुआ बरसात भी आपको दिखाई देगा। ये सब भारत में ही पॉसिबल है भाई साहब। तो भारत मतलब बड़ी रिच बायोडायवर्सिटी का एरिया है। आपको पता है भारत जो है विश्व का केवल 2.4% क्षेत्र है हमारे पास, केवल 2.4% क्षेत्र है, पर अगर वैरायटी की बात किए जाए, विविधता की, तो 8.1%। लिख लो बात को कि भैया अगर जमीन की बात की जाए तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, केवल 2.4% भूमि हमको मिली है, लेकिन विविधता की अगर बात करें तो 8.1% विविधता है हमारे पास। बड़का विविधता है जी, बहुत विविधता है, ठीक है भाई। तो कितना पादप कितना जंतु है IUCN के अनुसार, IUCN के अनुसार 12 सबसे ज्यादा जो विविधताओं वाली जगह है, जो देश है विश्व में 12 जो सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है, उसमें से हमारा भारत भी है, समझे। हमारा भारत 12 सबसे ज्यादा विविधता वाले देशों में गिना जाता है, बहुत बायोडायवर्सिटी है, ठीक है भाई। तो IUCN ने कितना पौधा कितना जंतु हमारे यहां देखा, गौर करिएगा, 45,000 के आसपास पादप की जातियां हैं, और लगभग इससे डबल मतलब लगभग 90,000 के आसपास माना जाता है, दो गुना 90,000 के आसपास जो है वो जंतु की प्रजातियां हैं। आपको पता है इस 90,000 में आप भी एक गिने जाते हैं, 45,000 पादप हैं, 90,000 जंतु हैं इस दुनिया के भारत वाले नक्शे में। लेकिन रॉबर्ट मे की अगर अपन बात माने तो रॉबर्ट मे ने जो बताया वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताया, तो रॉबर्ट मारे ने बताया कि अभी तक इस दुनिया में केवल 22% ही जातियों का पता चल पाया है, अभी भी 78% जब वैरायटी का पता चलेगा तो ये लाखों में इनकी संख्या पहुंच जाएगी। रॉबर्ट मे के अनुसार अगर हम इसे जाएं तो लाखों में इनकी संख्या पहुंच जाएगी, लगभग 1,00,000 के आसपास पादप हैं और लगभग 3,00,000 के आसपास जंतु हैं, ऐसा रॉबर्ट मे ने कहा था भारत के लिए। कुछ समझ में आया जी? रॉबर्ट मे के अनुसार हमारे भारत में 1,00,000 पादप हैं, 3,00,000 जंतु हैं, पर ओरिजिनली अभी तक जो खोजा गया है वो 45,000 पादप और 90,000 जंतु खोजे जा चुके हैं। दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए, ठीक है भाई। अब ये जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया बैक्टीरिया हैं, इनके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे? तुम तो ठहरे परदेसी, बदल देते हो फटाफट बदल जाते हो यार, आज कोरोना डेल्टा 1 है, कल डेल्टा 2, कभी N1 कभी N2, कुछ भी नाम रखा जाता है तुम्हारा। तो इनको प्रयोगशाला में देखा जा सकता है, पर इनकी संख्या कितनी हो सकती हम नहीं पता लगा सकते, ठीक है भाई। अब सवाल आता है कि एक बात बताओ, कौन है ये आदमी जिसने भारत में विविधता अच्छी दी है, कुछ जगह विविधता नहीं होती है, विविधता होने के पीछे कोई रीजन है क्या, क्या कोई कारण है विविधता का? हाँ भाई, बहुत बड़ा कारण है। देखो, इस दुनिया की जो पृथ्वी है, जो थोड़ा सा ऐसा टिल्ट है, थोड़ी घूमी हुई है, इधर पे नॉर्थ पोल है मान लो, और इधर पे साउथ पोल है भाई साहब, समझ गए बात को।
इधर से इधर है हमारा सूरज मान लो, ठीक है। अब इधर से सूरज का रोशनी आ रहा है तो बोला जाएगा कि आपने वो सुना होगा मकर रेखा है ना, कर्क रेखा सुना है कभी यहां पे? तो ये भारत की भूमध्य रेखा है, ये भारत की भूमध्य रेखा है। इसके अलावा भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ का यहां पर एक रेखा है और यहां पर जिसे मकर और कर्क रेखा के नाम से, कैंकर आदि नाम से आपने सुना होगा। इस रेखाओं के अनुरूप अगर जाएं तो बाबू, अगर सनलाइट देखा जाए तो ज्यादातर सनलाइट जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास बढ़िया पड़ती है। मतलब थोड़ा सा ज्यादा तिरछा हमने कर दिया, थोड़ा कम तिरछा करना इसको, ये तो ज्यादा ही तिरछा हो गया, पृथ्वी इतने में तो पलट जाएगी यार। तो मान लो ये पृथ्वी का भाग है, ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, सॉरी, अरे यार मामला मसला हो जाता है, ये भाग हो गया, ठीक। अब यहां पर देखें तो सूरज का प्रकाश ज्यादा कहां पर पड़ रहा है? भूमध्य रेखा के आसपास। तो आपसे कभी भी पूछे कि जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां होती है तो बोलना भूमध्य रेखा के आसपास सबसे ज्यादा होती है। और इससे जैसे ही आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो सूरज का प्रकाश कम होता चला जाता है और विविधता उतनी ही कम होती चली जाती है। तो कभी भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यार विविधता जो होता है, ठीक है, विविधता जो होता है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? भूमध्य रेखा में सबसे ज्यादा है, और उससे ध्रुवों की तरफ जाने पर विविधता कम हो जाती है। ध्रुवों में सबसे कम विविधता होती है, ये नॉर्थ पोल में सबसे कम, साउथ पोल में सबसे ज्यादा। तो जो भी देश इसके आसपास में रहेंगे, इस क्षेत्र के आसपास में, उधर विविधता रहेगी, और जितना ऊपर जाएंगे, जितना नीचे जाएंगे, उतनी विविधता कम होती चली जाएगी। क्या कुछ मेरी बात समझ में आई? भूमध्य रेखा पर विविधता, ये देखो ये पृथ्वी है मान लो, जैसे मैंने कहा कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, दक्षिण ध्रुव नीचे है, उत्तरी ध्रुव ऊपर है, और यहां पर तीन प्रकार की रेखाएं हैं। जैसे अपन कहते हैं ये इक्वेटर है भूमध्य, ये इक्वेटर है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर भी हम 23.5 नॉर्थ पे एक और रेखा खींचते हैं, जिस रेखा को अपन कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, कर्क रेखा, ये ऊपर की तरफ में है, जिसे आजकल लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे गांव से गुजर कर जाती है, उज्जैन से, मध्य भारत में बहुत सारे राज्यों से, छत्तीसगढ़ से, एमपी से, राजस्थान से, इन सब से होकर गुजरती है ये भूमध्य, सॉरी आपकी कैंकर रेखा। उसके नीचे वाली रेखा भी ऐसे बहुत सारी जगह से गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा, हम पृथ्वी के मध्य में नहीं है तो हमारी जगह से नहीं गुजरती है। फिर आता है भाई 23.5 साउथ में चले जाओगे तो यहां पर आता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का मतलब वही मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो ऊपर की तरफ कर्क रेखा, हम नीचे की तरफ मकर रेखा, इसके बीच में भूमध्य रेखा होती है। भारत से सबसे ज्यादा जो रेखा गुजरती है वो है आपकी कर्क रेखा, ये याद रखना, ये पढ़ा जाता है, जनरल नॉलेज का बहुत बड़ा सवाल है, 9th-10th में पढ़ाया भी गया होगा आपको, 8th-7th में जब भी पढ़ाया गया होगा, ये वो रेखा है कि कहां कहां से गुजरती है, ठीक है। इसके बाद 66.5 साउथ पे चले जाओ और 66.5 नॉर्थ में चले जाओ, वहां ध्रुव ही ध्रुव है। तो ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है कि इस डायग्राम के हिसाब से क्या है। ये डायग्राम जरूर समझिएगा कि भैया भूमध्य रेखा पर वैरायटी सबसे ज्यादा है, ऊपर नीचे जाने पर विविधता कम हो जाती है। आपसे कभी पूछे कि मकर रेखा जो है वो कितने पे है, 66.5 साउथ पे चले जाओगे तो ध्रुव स्टार्ट हो जाएगा, 23.5 साउथ पे जाओगे तो मकर रेखा मिलेगी, 0 डिग्री पे आपका भूमध्य रेखा है, 23.5 नॉर्थ में जाओगे तो कर्क रेखा मिलेगी, और वही 66.5 नॉर्थ में चले जाओगे तो आपका उत्तरी ध्रुव शुरू हो जाएगा। ध्रुवों को समझ में आया, गणित वणित दिमाग में, ये कंपास में यूज होता है, इतने डिग्री, इतना उतना, सब कुछ यही डिग्री पे पूरा दुनिया टिका हुआ है जी, एरोप्लेन ऐसे ही चलता है, सब कुछ ऐसा ही होता है, तो बड़ा ध्यान से पढ़ लेना। तो चलो भाई समझते, जंतु पौधों की विविधता के बारे में समझा जाएगा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर घट जाती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर घट जाता है, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर
23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण तक ये अच्छी विविधता पाई जाती है यहां से यहां तक, मतलब मकर से कर्क रेखा के बीच की जो विविधता है वो बढ़िया है। उसके ऊपर नीचे जाओगे तो ध्रुव हो जाएगा और उस ध्रुव में विविधता नहीं है भाई, समझे? बढ़िया। तो भूमध्य रेखा के करीब कोलंबिया है जी, भूमध्य रेखा के समीप जो है कोलंबिया है, वहां पे 1400 प्रकार के पक्षी, जबकि न्यूयॉर्क जाओगे तो 41 डिग्री पे है और ऊपर चला गया, वहां पे 105 प्रकार का पक्षी, और ऊपर चले जाओ ग्रीनलैंड, एकदम बर्फी बर्फ है ग्रीनलैंड में, 71 डिग्री पे 56 पक्षी की प्रजातियां। क्या समझ में आया? कोलंबिया जो मध्य में उसमें 1400, उसके ऊपर गए तो 105, उसके ऊपर गए तो 56, विविधता कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? बिल्कुल हो रहा है। तो इसी तरह से विविधता ऊपर कम होती चली जाती है। भारत भी मध्य में है तो भारत में लगभग 1200 वैरायटी पाई जाती हैं, भारत में 1200 प्रकार की पक्षियां पाए जाते हैं, याद रखना अच्छी विविधता है हमारे यहां। इसके बाद इक्वाडोर के बारे में बात किया जाए तो इक्वाडोर जो है भाई साहब थोड़ा सा मतलब ध्रुवी इलाकों में पड़ता है, वहां पर मध्य पश्चिम में से शीतोष्ण क्षेत्र के वनों से 10 गुना अधिक पाया जाएगा। तो भाई यूएस जो है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं नॉर्थ साइड है, यूएस में मतलब अमेरिका में देखा जाएगा तो उसके तुलना में, यूएस की तुलना में इक्वाडोर जो थोड़ा सा भूमध्य रेखा के आसपास पड़ता है वहां पर विविधता 10 गुना ज्यादा पाई जाती है। क्लियर समझ में आई? अब बात करते हैं इस दुनिया के सबसे बड़ी विविधता वाली जगह पे, नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। नाम सुना है अमेज़न रेन फॉरेस्ट? ये जो नाम अगर आपने सुना होगा तो भाई बड़ा कहानी मजा आ जाएगा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भाई दुनिया का सबसे ज्यादा विविधता है। वहां पर 40,000 से ज्यादा पौधे हैं, 3,000 के आसपास फिश हैं, लगभग 1,300 के आसपास पक्षी हैं, 427 मैमल्स हैं यानी स्तनधारी हैं, उतने ही एम्फीबियंस हैं, 378 प्रजाति के रेप्टाइला हैं और 1,25,000 से ज्यादा वैरायटी के अकशेरुक जीव हैं। रट्टा नहीं मारना है, बस याद रखना बहुत विविधता है। ये वैरायटी इसलिए लिख दी है कि आपको पता चले कि बहुत, ऐसा कोई नहीं पूछेगा बताओ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कितनी प्रजाति का एम्फीबियंस पाया जाता है, पर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, याद करना चाहो तो कर भी सकते हो। 40,000 प्रकार के पौधे, 3,000 प्रकार के बर्ड्स, 1,300 प्रकार के लगभग जो है हमारे फिशेस, 3,000 प्रकार की फिशेस, 1,300 प्रकार का बर्ड्स, 427 स्तनधारी और आपका एम्फीबियंस, और लगभग 378 के आसपास सरीसृप और 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। वो आपने सुना होगा ना, वो एनाकोंडा नाम सुना है ना, वो लोग कहां ढूंढने जाते हैं, वो जंगल कहां का था? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। आपको पता है एनाकोंडा कहां मिलता है? यही मिलता है जी एनाकोंडा। तो बड़ी दुनिया की विविधता है, देखो ये एकदम बेहतरीन सांप, ओहो देख के डर लग जा रहा है, कितना सुंदर है, देखो ये सब अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ये सब अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, पक्की बात है। देखो जरा कितना प्यारा सांप दिख रहा है, वाह मजा आया ना देख के। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई आगे कहानी को पढ़ते हैं। अब सवाल आया कि जातियों का क्या क्षेत्र से कोई संबंध है? अगर क्षेत्र बड़ा कर देंगे तो जाति बढ़ जाती है क्या? तो यहां पर एक जातीय क्षेत्र संबंध पर एक कहानी है, कहा है हैम्बोल्ट साहब ने। हैम्बोल्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि अगर क्षेत्र बढ़ता है ना तो जाति विविधता पहले बढ़ती जाती है, लेकिन अनलिमिटेड समय तक नहीं, एक समय तक ही बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। तो अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट एक साइंटिस्ट से, इन्होंने बताया कि भाई साहब जंगलों का गहन अध्ययन किया और उन्होंने एक सीमा बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। अगर जंगल की सीमा बढ़ाएंगे, जंगल का क्षेत्र आप बढ़ाते हैं तो वहां की जो स्पीसीज रिचनेस है वो बढ़ती है, वहां पर विविधता बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आधा धुंध बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएगी, हमेशा नहीं, मामले में बढ़ती है। अब आप अगर ये डायग्राम देखेंगे तो ये है जाति विविधता, स्पीसीज रिचनेस, और ये है एरिया। अगर आप एरिया बढ़ाते जा रहे हैं तो रिचनेस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन एक समय के बाद रुक जाएगी। तो इसको अपन ऐसा समझते हैं कि S का मतलब स्पीसीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब एरिया और पावर में जेड नियतांक है, पावर में A मतलब एरिया। जब आप इसे दूसरे तरीके से लिखेंगे तो एज इक्वल्स टू सी ए की पावर में जेड,
और सी का मतलब आ गया कि वहां पे कांस्टेंट आ गया पॉइंट, ठीक है भाई। इस पे अगर आपको लॉग लगाना हो तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे लॉग एस, आप क्या लगाएंगे लॉग एस, लॉग सी, ये ज्यादा लॉग अग मत जानना, बस इतना डायरेक्टली याद रखना, और जेड लॉग ए। भाई साहब ये फॉर्मूला याद कर लो, ज्यादा मैथमेटिक्स लगाने से अच्छा है कि डायरेक्टली इसको थोड़ा बहुत ध्यान रखना। ओ विकास सैनी जी, करवाएं मोहब्बत हैं, करवाएं मोहब्बत, दिक्कत हो जाएगा अभी, चुपचाप पढ़ाई कर लीजिएगा। तो ये याद रखना भाई साहब, एस जो होता है यहां पर, एस के मतलब एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, पावर में जेड कर देना, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटता है तो सी ए की पावर में जेड, और लॉग लगा देना लॉग एस लॉग जेड लॉग सी जेड लॉग ए। क्लियर जी, पक्का, बढ़िया, हो गया कहानी खत्म। इतना जरूर याद रख लेना, इसमें हम लघु गणक वगैरह लगाते हैं। एस जो है जातीय समृद्धि है, ए जो है क्षेत्र है, जेड जो रेखीय ढाल है, और वाई जो होता है इंटरसेप्ट यानी अंतरखंड है। बस इतना बात याद रखना, इनके बीच का जो फॉर्मूला है जाति क्षेत्र संबंध अति परवलयाकार बनता है। जाति क्षेत्र संबंध के बीच का जो ग्राफ है वो अति परवलयाकार बनता है। दिमाग में एकदम मामला सेट कर लो, ठीक बात है भाई, ये मामला क्लियर हो गया। फिर एक साइंटिस्ट आए, ये यहां पर ज्यादा पूछा जाता है। एक चीज और थोड़ी छोड़ दी है मैंने, वो अभी उतना जरूरी नहीं है। एक साइंटिस्ट आए डेविड टिलमैन, तीसरे वैज्ञानिक आ रहे हैं बाबू, याद रखना, एडवर्ड विल्सन, फिर रॉबर्ट मे, फिर आए हम्बोल्ट, और अभी आ रहे हैं हमारे पास ये टिलमैन साहब। क्या बोला इन्होंने, टिलमैन साहब ने देखा कि जहां पर अधिक जातियां थी वहां पर जैव भार में कम विभिन्नता थी। मतलब जहां जातियां ज्यादा हैं वहां जैव भार ज्यादा बदलता नहीं है, फिक्स रहता है, ज्यादा बदलाव नहीं होता उसमें विविधता में, ठीक बात है। इन्होंने यह दर्शाया कि विविधता की वृद्धि उत्पादकता से, वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती। अगर जाति विविधता बढ़ेगी तो उत्पादक मतलब पेड़ पौधे ये सब जंतु ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन ये एक समय के बाद कॉन्स्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा वेराइटी नहीं देखी जाती। तो इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पर लोग अच्छे से रहें, बढ़िया विविधता बढ़ी रहे। ये टिलमैन साहब ने कहा था कि अगर आप जो है विविधता बढ़ा रहे हैं तो उससे उत्पादकता बढ़ती है, ठीक बात है भाई। एक बड़ा कहानी स्पेशल आया जिसे अपन कहते हैं राइवेट पॉपेट परिकल्पना हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस एक ऐसी हाइपोथेसिस है कि किसी भी क्षेत्र में अगर जैव विविधता है, जैव विविधता इज जस्ट लाइक अ एरोप्लेन, एरोप्लेन एक जैव विविधता है, परितंत्र है, वहां पर पाए जाने वाली जातियां उनके लिए वो रिविट है। रिविट का मतलब होते हैं कलपुर्जे, अस्थि पंजर, जो उसके अंदर नट बोल्ट वगैरह लगा हुआ है उसे रिविट कहते हैं, ठीक है। तो रिविट मतलब जातियां, एक वायुयान है जो परितंत्र की तरह काम करेगा और उसमें रिविट यानी कलपुर्जे जो लगे हुए हैं वो जातियों की तरह काम करेंगे। अब एक बात बताओ, वायुयान से अगर कहीं तुम बैठ गए और एक आठ खीला हिला बसकाक लेकर आ गए वहां पे टाप के, तो ज्यादा विमान कमजोर नहीं होगा, चल जाएगा विमान। लेकिन अगर तुम डेली एक ठो चुरा ला रहे हो तो कुछ दिनों में विमान का हो जाएगा कंगाल, हवा में उड़ते 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 ही रह जाएगा, इतना उड़ा इतना उड़ा इतना उड़ा कि कितना उड़ा पता नहीं, उड़ता गया, ऐसा हो जाएगा मामला। तो इसलिए भाई किसी भी वायुयान से एकात रिवेट एकात खीले विले भसका दिए, थोड़ा इधर उधर हो गया तो मामला ठीक है, पर अगर डेली एक जाति गायब कर दोगे तो परितंत्र क्या हो जाएगा, हिलडुल जाएगा पूरा। वैसे ही परितंत्र का भी मामला है, एकात जातियां गई तो कोई बात नहीं, पर अगर बहुत सारी जातियों की विविधता कम हो गई तो वहां पर नुकसान हो जाता है। वैसे ही वायुयान का अगर तुम पंखे का अगर खीला भसका दिए जी, तब तो वायुयान बड़ा दिक्कत हो जाएगा। वैसे ही एक परितंत्र की कुछ प्रजातियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको नहीं हटा सकते आप, समझ रहे हैं, कुछ मामला समझ में आया। तो राइवेट पॉपेट हाइपोथेसिस एक ऐसी कहानी है जो आप जातियों को परिपार्श्विक तंत्र को एरोप्लेन से कंपेयर करते हैं कि एरोप्लेन का जो खीला है वो जातियां हैं, परितंत्र की जो खीले हैं वो जातियां हैं, उन खिलों में से उन अस्थि पंजर में से एकाध दो निकालोगे चल जाएगा, पर अगर तुम पंखे का उसका जो उड़ने का मेन रीजन जिससे बनता है अगर उसको उड़ा दिए तो तुम प्लेन ही उड़ा लोगे, फिर तो उड़ गया प्लेन, फिर उड़ चुका,
समझे। तो यही मामला बनता है रिवेट पापेट हाइपोथेसिस को, सभी जोड़ को सभी जातियों को मिलाकर पारिस्थितिक तंत्र बनता है। एकाध अगर कील ले जाओगे अगर वहां से तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर कुछ समय के बाद जो है वो जहाज में बड़ा टर्बुलेंस होगा, जहाज उड़ना शुरू नहीं हो पाएगी, कमजोर हो जाएगा। और अगर उनमें से अंदर सीट खिड़की आदि का थोड़ा चुराए तो ठीक है, पर अगर पंखे का उड़ा दिए भाई तो वहां पर पारिस्थितिक तंत्र सबसे ज्यादा नुकसान होगा, पारिस्थितिक तंत्र की सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी वहां पर नष्ट हो जाएगी। ये बात बहुत पूछी जाती है। अब ये तो रही पारिस्थितिक तंत्र की अच्छाई भाई, पारिस्थितिक तंत्र तो अच्छा है, ऐसा है वैसा है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि पारिस्थितिक तंत्र अगर मान लो खत्म होने लग गया, तब इस दुनिया का जो पारिस्थितिक तंत्र है खत्म बहुत हो रहा है, कहीं शेर विलुप्त हो रहा है, कहीं हिरण, और कहीं तो इंसान ही विलुप्त होने की कगार पर है। कौन कर रहा है जी इनको, कौन कर रहा है विलुप्त? तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आते हैं इनके नुकसान पे। आपको पता है पीछे बने हुए चार पांच डायग्राम आज इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। हमने एक बुक बनाई है जिसका नाम है लाल किताब, तंत्र मंत्र वाली नहीं, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब है जिसमें हम विलुप्त हो रही संकटग्रस्त प्रजातियों को लिखते हैं। जरूर लिख लेना कि एक प्रजाति है मॉरिशस की डोगो, ये क्वागा, थियासीन, सैलासीकाऊ, बाली का टाइगर, ये सब विलुप्त हो रहा है जी। और बाली, जावा, कैस्पियन, ये सारे के सारी प्रजातियां थी, विलुप्त हो रही हैं। इन सबको विलुप्ति के बचाने के लिए IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने एक बुक बनाई, लाल सूची बनाई, लाल सूची, रेड फाइल बनाई, लाल किताब बनाई, और उसके अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 से ज्यादा जातियां विलुप्त हो गई। 784 जातियां विलुप्त हो गई भाई, 333 अकशेरुक, कशेरुक तथा 87 पादप इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। ना सिर्फ जंतु, पादप भी विलुप्त हो चुके हैं। इस डोडो को देखो, इतना प्यारा पक्षी बेचारा विलुप्ति की कगार पर है, समझ रहे हैं, ये विलुप्ति की कगार पर है। पक्षियों की 2000 से ज्यादा प्रजाति प्रशांत महासागर से चली गई है। ये है क्वागा, इतना सुंदर दिखता था भाई, विलुप्त हो गया है। विश्व पे 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्ति के कगार पर है, मतलब इतनी विलुप्त हो चुकी हैं और 1500 से ज्यादा प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। शरम आ रहा है, सब तुम्हारी, बोले हम तो नहीं किए हैं, सब तुम्हारे जैसे लोगों ने ही किया है। यह है थियासीन, यह है स्टेलर सीकाऊ, लोगों ने इसको मार मार के शिकार कर करके नष्ट कर दिया जी। 12% पक्षी, 23% स्तनधारी, 32% उभयचर और 31% जो आवृत बीजी है। परसेंटेज नहीं पूछेगा, बस याद रखो खतरा में है, इतना जरूर याद रख लेना। बाकी कहानी बोल जाए तो भूल जाए, खतरा चल रहा है इतना जरूर याद रखना। परसेंटेज अर्सेंटेज कभी नहीं पूछेगा, अभी तो फिलहाल बोर्ड में, नीट में कहीं नहीं आता। आपको बस याद रखना है कहानी के तौर पर कि हां जी खतरे में। एट द एंड क्या समझ में आया, जैव प्रजाति जो है, जैव विविधता खतरे में है, कह दो ठीक है, गायब हो रहा है ना, तो गायब हो रहा है, ठीक है भाई चलो। आज इतना ज्यादा विलोपन और इसलिए हो रहा है क्योंकि मानव है इस दुनिया में, इस दुनिया में मानव है जी, मानव रहता है ना, उस नाम का प्रजाति जो है सबको विलुप्त करे जा रहा है। तो मनुष्य की क्रियाकलाप कुछ ज्यादा ही विलुप्त हो रही हैं और 100 वर्षों में तो आधे से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हुई हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? प्रजातियां विलुप्ति के बहुत सारे रीजन हैं। आपको बताऊं सबसे पहला, जैव विविधता की हानि अगर होती है तो नुकसान क्या है, मैं आपको बताता हूं। अगर जैव विविधता कम होगी तो वहां से पादप जो उत्पादकता है वो कम हो जाएगी, ठीक है, जो उत्पादकता कम हो जाएगी, वहां सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ जाएगा, वहां पर बहुत सारे उत्पादकता कम होने की वजह से वहां पर बहुत सारे प्रकार के रोग फैलने लग जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना भाई, रोग वोग वही फैलता है कुपोषण, जहां पर उत्पादकता नहीं होती, गांव बिहड़ में उत्पादन नहीं हो रहा है, धान चावल हो नहीं रहा है, तो लोग मरने भी लग जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है भाई, मान गए बात को। तो इस दुनिया की प्रॉब्लम है क्या, असल में क्यों ये सब हो रहा है? तो प्रॉब्लम के चार रीजन है भाई, द एविल क्वार्टर जिसे अपन कहते हैं, चार सबसे बड़ा रीजन माना जाता है इस दुनिया की विलुप्ति के पीछे। सबसे पहला भाई, उनका आवास नष्ट कर दो, उनका हैबिटाट, उनका जो जो उनका क्षेत्र है उसको नष्ट कर दिए, आवास की क्षति कर दिए। दूसरा, ओवर एक्सप्लोटेशन, अति दोहन,
तुम किसी क्षेत्र में हो वहां पर अति दोहन कर रहे हो, ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हो, तो उसकी वजह एक्सप्लोटेशन जिसे अपन कहते हैं उसकी वजह से भी खत्म हो जाता है। तीसरे नंबर पे कुछ बाहर की कुछ नई प्रजातियां आ गई और वो भी खत्म कर देती हैं, तो एवल स्पीसीज इन्वेशन जिसे अपन कहते हैं, इन्वेंशन जिसे अपन कहते हैं इन्वेशन, ये भी होता है। तो ये इन्वेशन हो गया, बाहर से कोई आकर आक्रमण कर दिया। और सबसे आखिरी में को एक्सटेंशन, कि अब तुम नहीं हो तो हम भी कहां से रहेंगे, ऐसे चार पांच रीजन निकल कर आते हैं। आइए सबसे पहला रीजन समझते हैं कि सबसे पहला रीजन क्या है भाई। सबसे पहला रीजन आप समझते हैं आवास नष्ट करना, आवास नष्ट कर दिया। आपको पता है पहले ये जो देखो ये आवास है, जंगल अंगल था बढ़िया, सब नष्ट कर दिए। एक समय पर था वर्षावन जो है वो 14% क्षेत्रों में था पूरे विश्व में, अब 6% क्षेत्रों पे बचा हुआ है। अमेज़न जो वर्षावन है उसके विशाल होने के कारण, उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, वहां भी लोग काट पीट के नष्ट कर दे रहे हैं। अब ये जंगल है, बीच में काट दिए जंगल, तो आवास नष्ट हुआ तो सब नष्ट हो गया ना भाई। तो इसलिए उनके आवास को नष्ट करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है ओवर एक्सप्लोटेशन, ये है पैसेंजर पिजन, इतना चिट्ठी भेजे कि कबूतर जा 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 जा, बोला जा रहा हूं महाराज, निकल गया बेचारा। इतना उपयोग किया, इतना उपयोग किया इस कबूतर का जी, ये पैसेंजर पिजन था, इतना चिट्ठी ले जाता था बाबू पूछो मत, कितने प्रसंग इसने शुरू किए। ये जो है चला गया हाथ जोड़ के कि जा रहे हैं तुम्हारे बीच में, ये जो चल रहा है इसके चक्कर में बस उड़ाते ही जा रहे हो, उड़ाते ही जा रहे हो, मजाक चल रहा है क्या, कब तक उड़ते जाएंगे, भाग गया बेचारा। स्टेलर सीकाऊ का लोग इतना शिकार किए, इतना शिकार किए कि इतना सुंदर दिखने वाला ये प्रजाति मर गया जी, समझ रहे हैं भाई साहब। तो हमेशा भोजन आवास आदि के लिए आवश्यकता लालच बन जाती है, लालची हो जाता है इंसान, एक खाया बहुत खाना है, इतना खाया कि खाता ही गया, खा डाला जी पूरा। और इसी तरह से ओवर एक्सप्लोटेशन शुरू हो जाता है, अति दोहन से कबूतर, समुद्री का ये जो गाय है सब विलुप्त हो गया, और जिसके कारण आज सबसे बड़ी जातियां जो हैं वो भी खतरे पे हैं। इसके अलावा एक और रीजन बन के निकल कर आता है कि तुम्हारे क्षेत्र में अगर कोई बाहर से एकदम डाकू टाइप का, जैसा देखा ना जी गांव में गुंडे आ जाते हैं अचानक से सब खत्म करके चले जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे क्षेत्र में बाहरी जातियां आके अगर तुमको नुकसान पहुंचा दें और कह दे कि ये क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, हम यहाँ के राजा हैं और बाकी सब निकलो, तो ये जो है बाहर से आने वाली जो प्रजातियां हैं, बाहरी प्रजातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी कारण से भी वहां अगर आ गई तो उससे भी नुकसान पहुंचता है। जैसे आपको बताया जाता है एग्जांपल, ये नाइल पर्च, नील में रहने वाली एक नदी है नाइल पर्च है, इसको पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाल दिया गया था कि बहुत सुंदर है चलो विक्टोरिया झील में डाल देते हैं। आपको पता है विक्टोरिया झील में इतनी ज्यादा वैरायटी की सुंदर सुंदर सिल्चिड करके एक वैरायटी थी, सिल्चिड की 200 से अधिक वैरायटी विलुप्त हो गई। देखो कितना प्यारा था ये सिल्चिड, दया नहीं आई होगी लोगों को, ये सिल्चिड देखो कितनी प्यारी दिख रही है, ये 200 से अधिक प्रजातियां से विक्टोरिया में थी, 200 प्रजाति विलुप्त हो गई भाई साहब, पाप लगेगा उसको जिसने ये पनाइल पर्च को लाया होगा, सबको खा गई जी, इतनी सुंदर सुंदर मछलियों को खा गए, ये बाहरी प्रजातियां जब आती है ना नुकसान पहुंचता है। आपने इन तीनों को जरूर देखा होगा, ये तीनों डायग्राम को देखो, ये गाजर घास है, ये है लंटाना, लंटाना कहते हैं, और ये है वाटर हाइसिंथ। भाई साहब ये तीनों भारत में इसको सुंदरता देखकर ले आए थे, इसको भी सुंदरता देखकर लाए थे, और ये तो आयतित गेहूं से बाहर से पहले के जमाने पे पता है, जब हरित क्रांति के बारे में हम बताते हैं, भारत में गेहूं जनाब नहीं होता था ना, जब हमारे यहां सूखा पड़ता था, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, सूखा पड़ता था खाने के लिए था नहीं, तो विश्व में जानवरों को खिलाने वाला गेहूं भारत में आयातित कर दिया जाता था, इतनी गिरी स्थिति थी भारत की। आज देखो भारत इस स्थिति पे है कि हम जो है पूरी दुनिया को धान गेहूं चावल भेजते हैं, पर एक समय था जो विश्व के बड़े बड़े अमेरिका ऐसे जो देश है ना जो हमारे दोस्त बनते थे बहुत, ये हमें जानवरों को खिलाने वाला एकदम खराब क्वालिटी का गेहूं भेजते थे, और उसी गेहूं से आ गया था भारत में गाजर घास, और ये गाजर घास भारत में पूरी तरह से ऐसा फैला कि आप इन दिनों को देखा ही हो। तो इनकी सुंदरता को देखकर लाया गया, आखिरी में काल बन गए, इसलिए कहते हैं हर सुंदर चीज अच्छी नहीं होती है,
सुंदरता की तरफ आकर्षित होकर आप जाएंगे, अंत में पता चलेगा लंटाना हाथ आया है, गाजर घास आ गया। ठीक है, ये वाटर हाइसिंथ लोग पाल रहे थे, बंगाल का आतंक बन चुका है बाबूजी। तो ये जो सुंदरता वाली जो चीज आकर्षण होती है ना, खतरा है जी, खतरा है। समझ लो, जब ज्यादा चीज कुछ अच्छी लगे, समझना नुकसान है वहां पर। ये बात मान लीजिए हमारी, हम सिर्फ लंटाना और हाइसिंथ के विषय में कह रहे हैं, किसी अन्य विषय में आप समझेंगे तो आप जानिए। गाजर घास, पार्थिनियम लंटाना, वाटर हाइसिंथ जिसे अकार्निया भी कहते हैं, ये हमारे भारत देश में आज आ गई हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा भाई, मत्स्य पालन के उद्देश्य से एक विशेष प्रकार की अफ्रीकन कैटफिश है जिसका नाम है क्लैरियस गैरीपाइनस। क्लैरियस गैरीपाइनस जो है अफ्रीकन कैटफिश है, इसे भारत की कई सारी नदियों में, इवन गंगा अंगा नदी पे डाला गया, तो हमारी खुद की शल्कमीन कैटफिश जो जातियां हैं उनको नुकसान हो गया। तो ये है अफ्रीकन कैटफिश, लोगों को लगा वाह क्या बात है, बहुत अच्छी दिखती है, ले आओ, ले आए, अब ये हमें हमारे ही कैटफिश को मारने लग गई है, तो ये सब नुकसान होता है। चौथे नंबर पर आता है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है भाई कि एक प्रजाति कभी कभी दूसरी प्रजाति पर पूरी तरह से निर्भर है, एक प्रजाति दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है, तो अगर एक प्रजाति गई तो दूसरा भी विलुप्त हो जाता है। ऐसा बहुत सारी जगह देखा गया, जैसे ये जोंक है, अगर मान लो मनुष्य ना रह गया तो जोंक रहेगा क्या? ये पॉलिनेटर है, ये हमिंग बर्ड है, ये पॉलिनेशन करती है, अगर ये पौधा ना रह गया तो ये कैसे जिंदा रहेगी? ये भौरा है, ये पौधे पर निर्भर रहता है, पौधा ही ना रहा तो भौरा कहां से रहेगा? तो ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर रखते हैं, और अगर विलुप्त हो गया तो मामला खत्म है फिर। अब आते हैं, ठीक है भाई हमको बचाना है, लेकिन हम देखने के लिए थोड़ी बैठे हुए कि इतना विलुप्त हो गया, उतना विलुप्त हो गया, ऐसा विलुप्त हो गया, वैसा विलुप्त हो गया, हम बचाएंगे। तो बचाने का कारण क्या है? इंसान इज अ लालची प्राणी भाई, और जब तक लालच नहीं होगा नहीं बचाएगा। तो आइए देखते हैं बचाने का सबसे पहला रीजन। देखो यार, पहला रीजन तो ये है कि उपयोगी रीजन है, इसे हम संकीर्ण संकुचित संकीर्ण जो है वो सोच हम मानेंगे कि इसलिए बचाओ क्योंकि तुम्हारे लिए उपयोगी है। सब्जी, फल, फूल, औषधि, मिट्टी बचाना, वर्षा कराना, ना जाने क्या क्या काम ये करता है। दूसरा नैतिक भी उपयोगी है, तो संकीर्ण भी है, दूसरा व्यापक रूप भी है, और तीसरा नैतिक मुद्दा भी है। अगर आपको पता है, इस दुनिया में अगर जैव विविधता ना हो तो जैव विविधता से हमें क्या क्या खाद, अनाज, दालें, फल, ईंधन, रेसा, इमारती लकड़ी, टैनिन, रेजिन, लुब्रिकेंट, रंजक, डाई, रेजिन, इत्र, औषधि, सब ये सब हमको इन्हीं से मिलता है। अगर ये सब चले गए तो हो गया, फिर बैठे रहो जपते नाम। 25% से अधिक औषधि आज भी हमारी पौधों से मिलती है, 25,000 से अधिक प्रजातियां दवाई बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं, अगर चली गई तो चली गई। इसके अलावा ब्रॉडली यूटिलाइजेशन उमंग, अब आप सोच के देखो यार कितना सुंदर दिख रहा है ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इसकी वजह से बारिश होती है, इसकी वजह से मिट्टी बची हुई रहती है, इसकी वजह से पर्यावरण शुद्ध रहता है, ऑक्सीजन मिलती है हमें, इसकी वजह से सुंदरता घूम पाते हैं। अभी नया साल आ रहा है, सब घूमने का प्लान बना रहे हैं, मनाली जाएंगे, नैनीताल जाएंगे और वहां जाके कचरा फैला के आ जाएंगे। अरे तुम्हारे अलावा दोबारा नैनीताल नहीं जाओगे का? पूरा कचरा कचरा करके आ जाएंगे जी, ऐसा गाड़ी गाड़ी पूरा, तभी तो आता है वहां भूकंप भूकंप। बताइए, जंगल है, पहाड़ है, वो तुम्हारे घूमने लिए बस नहीं बना है, वो एक बायोडायवर्सिटी है, पूरी गाड़ियां ही गाड़ियां वहां लगा के प्रदूषण फैला दिए, पेड़ पौधे सब मर जाएंगे कुछ दिन में, खत्म। इतना स्वार्थी इंसान है, क्या बोले, समझ रहे हैं बात को? कुछ भी कंस्ट्रक्शन के नाम पे पूरा उत्तराखंड काट दिया गया। अब जब वो कट गया भाई, तो कभी भी तो भूकंप भूकंप आएगा तो देखो जाके जोशीमठ पूरा टूट गया बेचारा, ऐसा ही होता है। तो ये मनुष्यों के उपयोग पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। वायुमंडल से 20% प्रकाश संश्लेषण करवाता है, ऑक्सीजन हमें मिलती है, बहुत कुछ हमारा काम करता है, सौंदर्यात्मक लाभ भी हमें मिलता है, इसको देखकर हमें मिलता है वाह क्या चीज है, देख के मजा आ जाता है, शांति मिलती है ना। उसी तरह हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी है कि पेड़ हमारे भाई हैं, पक्षी हमारे भाई, इन सबको बचाना है, तुमको जानवरों को बचाना चाहिए मारने की जगह। पर ये दुनिया मांस खाने वाले लोग क्या समझेंगे, इस दुनिया में जानवरों को मार के खाने वाले, जिस दुनिया में पौधों को काट के जिंदा रहने वाले, घर बनाने वाले क्या समझेंगे कि नैतिक महत्व क्या होता है और एक पौधा कितना जरूरी होता है।
खैर आते हैं अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे समझते हैं, चलो बचा ही लेते हैं। तो बचाने का दो तीन तरीका है जी। एक है इन सीटू, कि जो जहां है वहीं पर सुरक्षित कर दो, वहां शिकार करना जाना वाना सब बंद कर दो, नेशनल पार्क बना दो, ऐसा कुछ। तो इन सीटू है, जो जहां है वहीं संरक्षित कर दिया जाए अगर, तो वो इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। जैसे इसमें मान लिया जाएगा, जैसे हॉटस्पॉट बना दो कि भाई यहां ज्यादा खतरे में है। तो इस दुनिया में अभी 34 हॉटस्पॉट हैं इस दुनिया में, जिसमें से तीन हमारे भारत में है, और तीन हमारे जो भारत में उसमें पश्चिमी घाट और हिमालयन रेंज, और तीसरा जो है वो ईस्टर्न घाट है। ये तीनों हॉटस्पॉट जो है 2% से भी कम क्षेत्र है, लेकिन विविधता बहुत ज्यादा होती है, और इसे हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण में बदल दो, बायोस्फीयर बना दो, उनको जहां पे वो रहते हैं वहीं पर संग्रहित कर दो, संरक्षित कर दो, तो हम उसे इनसीटू कहते हैं। लगभग भारत में 90 राष्ट्रीय उद्यान है, 14 जो है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं, 448 वन्य जीव अभ्यारण है। अभी हालांकि ये बढ़ गए हैं, पर पुरानी एनसीईआरटी ने यही लिख रखा है, आप यही लिख कर रखना कि भारत में 90 राष्ट्रीय उद्यान और 448, वैसे 540 के आसपास हो गए, पर फिर भी 448 वन्य जीव अभ्यारण इस दुनिया में है। इन सब के अलावा आप एक्सीटू कंजर्वेशन भी कर सकते हैं, उनको अपने क्षेत्रों से बाहर ले जाकर। जैसे मान लो अब वो वहां पर रह ही नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें एक नेशनल वो बना दो, जंतु उद्यान बना दो, आप बना दो मतलब उद्यान और बना दो, वनस्पति उद्यान बना दो, क्रायो प्रिजर्वेशन कर दो, -196 डिग्री सेल्सियस द्रव नाइट्रोजन का उपयोग करो और संग्रहित कर दो। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से भी अपनाते, जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी आदि बनाओ, ये सब एक्सीटू में आते हैं। सफारी अफारी अपने क्षेत्रों से दूर लोग बसाते हैं, और सबसे आखिरी में आता है कि जो सबसे ज्यादा ही विलुप्ति के कगार पर हो, उनको इन विट्रो निषेचन कराकर भी हम बचा सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। ये बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट है कि इन सीटू कौन कौन है, एक्सीटू कौन है। इन सीटू राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य और आपका जो बायोस्फीयर, ये तीन इन सीटू। एक्सीटू में राष्ट्रीय जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब आते हैं एक्सीटू में। अब सवाल आता है कि ये सब तो कहानियां हैं, क्या विश्व ने आज तक इसके लिए कुछ किया है, बचाने के लिए विश्व में ने कुछ किया है क्या? तो विश्व ने आज तक समिट किए हैं, बढ़िया समोसा चाय खाने का जुगाड़ बनाया है, और विश्व ऐसी समिट करता रहता है विश्व में। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली समिट हुई थी अर्थ समिट, पूछा जाता है, भले इसका कोई महत्व हो या ना हो, लेकिन इसने बहुत काम किया है अपने महत्व में। रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, ये नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रियो डी जेनेरियो में हुआ था अर्थ समिट, और ये हुआ था 1992 में, पहली बार रियो डी जेनेरियो पे हुआ था, ये विश्व में पहली बार हुआ था अर्थ समिट। इसी के अलावा 2002 में दक्षिण अफ्रीका में भी एक कार्यक्रम हुआ था, और वो कार्यक्रम था जिसका नाम था शिखर सम्मेलन, भी हुआ था जोहान्सबर्ग में। तो भाई साहब, दो कार्यक्रम आज तक इस दुनिया ने किए हैं, एक अर्थ समिट 1992 में रियो डी जेनेरियो पे, और जोहान्सबर्ग पे हुआ था, और ये कार्यक्रम हुआ था 2002 में। इनका कार्यक्रम था, इनका उद्देश्य था कि भाई बचाया जाए इस दुनिया को, इस दुनिया को बचाया जाए। बस इतनी सी कहानी है इस चैप्टर की, आसान भाषा में आप तक पहुंचाई है, यही है वन शॉट। याद रखना इन सीटू एक्सीटू अलग रखना, रियो डी जेनेरियो और कब कहां कैसे कैसे क्या हुआ, समझाया है मैंने, आपको समझ में आया ही होगा। थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत ध्यान रखें, इसके बाद 11 की वन शॉट है, आप उसे जरूर एंजॉय करना अगर आप देख रहे हैं। लव यू ऑल गाइस, कल मिलते हैं, शानदार एक वन शॉट लेकर आ रहा हूं, पुष्पीय पादपों में जनन का, एकदम वन शॉट शार्प, मजा आ जाएगा, कल आप जरूर पढ़ना। फिर नए साल से नई कहानियों और नई इबारतों को गढ़ते हुए आगे जरूर बढ़ते हुए चले जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत ध्यान रखें, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा जल्दी जल्दी बताएं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा और समय मिलता तो और अच्छे से बताता, पर चूंकि 11 का वन शॉट है इसलिए मैंने इसे जल्दी खत्म कर दिया। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।